कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। प्रतिदिन एक कविता में आज सुनिए अजय जुगरान की लिखी कविता अपरिभाषित। सुनिए ये कविता मेरी यानी आरती की आवाज में। 12-13 के होते होते कुछ बच्चे खो जाते हैं अपनी परिभाषा खोजते खोजते। किसी का मन अपने तन से नहीं मिलता, किसी का तन बचपन के अपने दोस्तों से। ये किशोर कट जाते हैं आसपास सबसे और अपनी परिभाषा खोजने की ऊहापोह में अपने तन पर लिखने लगते हैं, सुई कांटों टूटे शीशों से एक घनघोर तनाव अपवाद की भाषा, जो आस्तीनों मफलरों के नीचे से यदा कदा झलक कभी कहीं उनकी माओं को आ ही जाती है नजर। तब उनके बंद कमरों में शुरू होती है ऐसी बातचीत जिसे बाहर दरवाजे से कान लगा सुन हो जाते हैं कई सहमे हुए बाप। और फिर वो रोने कोसने लगते हैं अपने आप, अपनी किस्मत और परिभाषाओं को। ऐसे में अभिभावक अक्सर भूल जाते हैं प्रकृति में शरीर रूप रचनाओं की अनेकता और ठहराने लगते हैं जिम्मेदार एक दूसरे को। अफसोस, इस सारी कटु कवायद के केंद्र में लोग क्या कहेंगे से डरा अस्वीकार होता है, कोई अपरिभाषी किशोर नहीं। इस कारण सुलझती नहीं ये पहेली, बस असुलझी सुलगती रहती है धुएं के काले बादल नीचे। और अफसोस, फिर मिलती हैं नस कटी रेल के पहियों तले और पंखों पर लटकी लाशें कई अपरिभाषित अर्धनारीश्वरीय संतानों की, जो सरल स्वीकार से जी सकती थी होकर परिभाषित। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।